Assalamualaikum everyone, my name is Hina Saleem. I am Director for Creators Educational Center Kuwait and President for Pakistan Women's Forum Kuwait. Sabse pehle to I would like to thank Ms. Muhammad Ali and Nuwai Pakistan ki unhone yahan par aake hum log ko bolne ka jo hai wo mauka diya hai. Mera jo topic hai aaj ka, actually the topic is regarding degree programs. 2 years degree programs issue there in Pakistan. आपको हर चैनल हर जगह पर आजकल एक न्यूज़ नज़र आ रही है, बहुत chaotic situation students के गिर्द पैदा हो गई है कि जी दो साल की डिग्री बंद हो गई है, दो साल की डिग्री बैन हो गई है. तो आई वुड लाइक टू क्लियर सम मैटर्स अपॉन दिस. बात यह कि जो जितनी 2 years की डिग्री प्रोग्राम थी 2018 में, ये बात बहुत क्लियरली HEC ने बता दी थी कि जी 2 years की डिग्री प्रोग्राम जो हैं अब उनको 4 years के बैचलर्स पे HEC कन्वर्ट कर रही है. अब पॉइंट मिड वे उन्होंने कि जो एक आई वुड से जो मेरा अपना कमेंट है वो ये है कि पूरी दुनिया में पुट एक ही जो है एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है. जितने बच्चे 2 years की डिग्री करते हैं उन्हें बोलते हैं एसोसिएट डिग्री, और जो 4 साल की डिग्री करते हैं उन्हें बोलते हैं बैचलर्स डिग्री. अनफॉर्चुनेटली हम पहले 2018 से पहले इस पैनल पे नहीं थे, और 2018 के बाद HEC took a good step और उन्होंने हमारी डिग्रीज को अब जो है वो एक ट्रांसफॉर्म किया है. उसकी रीज़न ये है कि जब हमारे स्टूडेंट्स बाहर के कंट्रीज़ में जाते थे तो उनको कहा जाता था जी आप तो 2 साल का बैचलर्स हैं, 2 साल का मास्टर्स हैं, अब 2 साल का और करेंगे तो आपको हमारे मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा. सो आफ्टर 12+4 16 years ऑफ एजुकेशन इज़ कंपल्सरी टू गेट एन एडमिशन इन अ मास्टर्स डिग्री. अब उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो ये हुई कि जी अब 2 years की डिग्री प्रोग्राम को कहा जाएगा एसोसिएट डिग्री, यानी कि जो 2 साल की डिग्री है वो ख़त्म नहीं हुई है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है. जिसको पहले बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कहते थे उसको अब एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स कहते हैं, जिसको बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कहते थे अब उसको एसोसिएट डिग्री ऑफ इन आर्ट्स कहते हैं. देन इसी तरह जो बैचलर्स BSc था, बैचलर्स ऑफ साइंसेस था, अब उसको हम लोग क्या देते हैं एसोसिएट डिग्री इन साइंस ADS. सो ADC, ADA, ADS के नाम से आपको नज़र आएगा ये 2 साल की डिग्रीज हैं. इन शॉर्ट कोई बच्चा 12th grade पूरा करता है और वो किसी कॉलेज में जाता है, वो कहता है जी मैं 4 साल का बैचलर्स नहीं करना चाहता, तो उसके पास ऑप्शन है वो 2 years का एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करे. आफ्टर डैट जब उसे ख़त्म कर लेगा तो उसको ऑप्शन दी गई है कि वो 5th semester ऑफ बैचलर्स में इनरोल हो जाए, यानी BCom ADC एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स का बच्चा, उसके पास ऑप्शन ये होगी वो 2 साल का ADC पूरा करे, 5th semester में चला जाए और BBA के 5th semester में या BCom के 5th semester में एडमिशन ले के अपना BBA पूरा कर ले. तो 2 साल का एसोसिएट हुआ, देन उसको 2 साल का BBA कम्प्लीट होकर उसके जो है 16 years की एजुकेशन, यानी 12 साल का 12 years का उसका इंटरमीडिएट, 4 years का उसका बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन ही विल बी एलिजिबल फॉर अ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम. एक बच्चा जब बैचलर्स कर लेगा, BBA कर लेगा, देन उसके बाद वो 3 semesters अपने कंप्लीट करेगा फॉर MBA, यानी 1.5 years का जो MBA होता है वो अपना 3 semesters का MBA पूरा करेगा, एंड ही विल हैव अ मास्टर्स डिग्री. प्लस अगर वो वही एंड के जो आपके 6 months के जो रिसर्च वर्क है उसको लगा लेंगे तो यू विल गेट एन MPhil डिग्री. इसी तरह जो बच्चा ADC एसोसिएट डिग्री इन जो है वो करेगा आर्ट्स करेगा ADA करेगा तो ADA के बाद वो इसी तरीके से BS प्रोग्राम के अंदर, यानी वो BS साइकोलॉजी, BS फिलासफ़ी कर रहा है, BS एजुकेशन कर रहा है, BS हिस्ट्री कर रहा है, अरबिक कुछ भी कर रहा है, उसके 5th semester में चला जाएगा और उसका वो 4 साल की डिग्री पूरी होगी और फिर वो अपना MA पूरा करेगा उस रिलेटेड प्रोग्राम के अंदर. एंड सेम गोज फॉर द साइंस स्टूडेंट्स. अब अगर आप इसको देखें तो ये बड़ा अच्छा ब्रेकअप है. उसकी रीज़न ये है कि एक बच्चा 2 साल का एसोसिएट किया, बाद में उसके फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, उसको कम्प्लीट नहीं कर सका, कोई भी रीज़न हो गया, एनीथिंग कुछ भी हो गया, उसके बाद उसको स्टॉप कर देगा. आफ्टर दैट जब उस की कंडीशन बेहतर होगी या जब वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहेगा, वो दोबारा से किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके उसके 5th semester में इनरोल करके अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकता है. तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप क्योटिक सिचुएशन पैदा करें, आई वुड से कि जो न्यूज़ आए, ये आए, वो आए, और आप उसको ऐसे स्प्रेड करना स्टार्ट कर दें अपने सर्कल के अंदर, और उन लोगों को आप जो है वो डिस्टर्ब करें जो 2 साल की डिग्री कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, मेरी तो डिग्री नल एंड वॉइड हो गई है, मेरी तो डिग्री कोई टेस्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. 2018
के अंदर अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ देखी होगी 2020 तक उन्होंने एक्सटेंशन दिए कि जी 2020 के अंदर अंदर तक जितनी डिग्री भी हैं, HEC ने कहा कि जी इट्स ओके, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री इशू की है तो उसकी अटेस्टेशन की जिम्मेदारी उस यूनिवर्सिटी की है। आप एज अ स्टूडेंट, आप एज अ पेरेंट, आप एज एन एम्प्लॉयर, प्लीज़ इस चीज़ को एग्जैजरेट ना करें। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये करें कि आप ये बताएं, और मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो ये बताएं स्टूडेंट्स को कि अल्टीमेटली डिवीजन किस तरीके से हुई है। अगर 2 ईयर्स की डिग्री के ऊपर बैचलर्स का नाम हटा के उसको एसोसिएट कर दिया गया है, तो स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस पैदा करें कि बैचलर्स को काट के अब उसको एसोसिएट डिग्री कर दिया गया है। दैन स्टूडेंट्स को भी मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूँ, अब से ऑनवर्ड बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जी अगर मेरी डिग्री इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए तो 4 ईयर्स बैचलर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आप मास्टर्स कर सकते हैं। देन इसका आपको बेनिफिट भी है। खैर कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जी पहले हम तो 2 साल में बैचलर्स हो जाते थे और 2 साल में मास्टर्स कर लेते थे, तो फेयर इनफ, जिसने पुराना किया हुआ है कोई इशू नहीं है। जिसका पुराना BA है, पुराना MA वो कर चुका है, 1980s में कर चुका, 90s में कर चुका, 2000 में कर चुका, इसका अंदर ये नहीं कि उसकी डिग्री मानी नहीं जाएगी। इट मीन्स कि अब उसकी डिग्री की जो इक्वलेंसी उसे मिलेगी, वैसे भी इक्वलेंसी वर्ल्ड वाइड उसे बैचलर्स ही की मिल रही थी, अब उसे जो इक्वलेंसी मिलेगी वो बैचलर्स की मिलेगी, और वो बाद में आप एजुकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो वो उसके साथ अपने 2 साल मास्टर्स लगा के उसको अपग्रेड कर सकता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करें। मेरा मैसेज थ्रो करने का रीज़न ही ये है कि जितना आप ये सोचें क्योस पैदा हो गया है और ये जितनी र्यूमर्स पैदा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में 3 महीने के डिप्लोमे का भी फ़ायदा है, सिंपल 3 महीने के डिप्लोमा आप एक्सेल का कर लें, उसको करके आप मार्केट में निकलें तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि 4 साल वाले को जॉब मिल जाएगी, 2 वाले को नहीं मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी। दुनिया की कोई डिग्री ऐसी नहीं है जिसका फ़ायदा नहीं है। हर डिग्री का, हर डिप्लोमे का, हर सर्टिफिकेट का आपको बेनिफिट है। तो काइंडली आप फोकस करके सबको एक्सप्लेन भी करें, जिसको ये वीडियो मिलती है वो बाकियों को एक्सप्लेन करें, उनसे शेयर करें, ताकि ये सारा इशू स्टूडेंट्स में जो फैला हुआ है वो क्लियर हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपको एक और, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे आपको बाकायदा प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे, और उसमें बाकायदा तौर पे प्रोग्राम्स के नेम और चीज़ें, और आपको एक रोड मैप देंगे कि 12th ग्रेड के बाद अगर एक स्टूडेंट ने अब एडमिशन लेना है 2020 में, फॉर एग्जांपल जिसका रिजल्ट आ गया, अब उसने अगर आगे एडमिशन लेना है तो उसको क्लियर होना चाहिए कि मैंने किस जगह पर जाना है, कौन सी चीज़ें मुझे अवेलेबल है, मैंने कौन सा रोड मैप लेना है। तो 12th के बाद ही स्टूडेंट को अपना रोड मैप डिसाइड करना पड़ेगा, उसको डिसाइड करके एंड तक अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू स्ट्रीम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।